Ladies and gentlemen, a very, very big hand to the living legend, Ustad Lakshman Singh Seem. सबसे पहले परमात्मा के नाम के बाद विरासत फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें सबको करना चाहिए वैसे कि उन्हीं की तपस्या से मैं आप लोगों के बीच हूँ। इन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का और ज़रूरी काम का बीड़ा उठाया है। हमारा पंजाब जो कि हर क्षेत्र में आगे रहा है, महाभारत के युद्ध के बाद यहाँ युद्ध ही युद्ध होते रहे और अब भी हो रहे हैं, जो बहुत बहुत बड़े कलाकार थे, बड़े लेखक थे, वो लिख नहीं सके, इसलिए कोई जो यहाँ की विशेषताएं हैं वो लोगों के सामने उतनी नहीं हैं। आप लोग तो जानते हैं मगर बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इन्होंने वो बीड़ा उठाया हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं वेद यहाँ पर लिखे गए और रामायण यहाँ पर लिखी गई, महाभारत यहाँ पर लिखा गया, व्यास दरियास का साक्षी है, राम तीर्थ अमृतसर साहब के पास राम तीर्थ साक्षी है, रामायण वाल्मीकि जी ने यहीं पर लिखी। ये जो दसूहा है ये विराट नगरी है, अभी वहाँ पर स्थान बन रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ धन्यवाद करूँगा, और क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैं पंजाब का हूँ। असल में बात यह है कि पंजाब में बहुत सी विशेषताएं हैं जो के सामने नहीं आ रही हैं, आनी चाहिए। तानसेन यहाँ के हुए, तन्ना मिश्र बैजू बावरा यहाँ के हुए होशियारपुर के पास, और लेखकों में डॉक्टर इकबाल वगैरह, और हमारे बहनी साहब, और क्या क्या बताऊँ, गुरु नानक जी, उनके अभी वो पत्थर वहाँ मौजूद हैं जिनसे वो तोला करते थे सच्चा सौदा। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, अपना कार्यक्रम शुरू करूँगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संगीत की ध्वनियाँ हैं हमें परमात्मा के निकट ले जाती हैं। अब से लाखों वर्ष पहले जब हम परमात्मा के बिल्कुल पास थे उस वक्त ये ध्वनियाँ थीं। उनका कोई मतलब नहीं था,
आज भी संगीत का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे शब्दों के मतलब बने, शब्द बने, शब्दों के मतलब बने, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यहाँ तक कि मतलब भाग मतलब का भी क्या मतलब है, तो हम बिल्कुल मतलबी होकर रह गए और ईश्वर के परमात्मा के बहुत दूर हो गए, बहुत दूर, बहुत दूर। शायद कई सदियां लगेंगी, मगर परमात्मा ने हमें जो उपहार दिया है, जब भी हम ये दुनिया छेड़ते हैं तो उस वक़्त भगवान के निकट हो जाते हैं। नारद एक ऐसा तत्व है जो इस लोक को और उस लोक को जोड़ता है। नारद को भगवान कहते हैं, हे नारद, जाओ सबको कह दो कि अगर मेरे दर्शन करने हों तो वहाँ पर आ जाओ, क्योंकि ये भक्त रसामृत ग्रंथ का वर्णन करते हुए मैं कह रहा हूँ। भक्त रसामृत में भगवान अपने मुखारविंद से खुद कह रहे हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नच, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहाँ होता हूँ जहाँ पर संगीत चल रहा हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये ध्वनियाँ छेड़ते हैं। I think most people understood, the ones which don't even speak the Indian language also can understand Guruji's feelings for his art. It's basically a very spiritual quest for him, and it's not the Brahma, it's close to God. Thank you.